हेलो दोस्तों, ये है होंडा सिविक शाइन एसपी। ऑन रोड प्राइस डिटेल्स में आज बताने वाला हूँ इसके ईएमआई कैलकुलेशन करके नागपुर का। जैसे कि मैंने इससे पहले बना चुका हूँ कोलकाता, दिल्ली और मुंबई का ऑन रोड प्राइस ईएमआई डिटेल्स। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और नागपुर का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कॉमेंट में कि नागपुर का एक वीडियो बना के दो, तो मैं आज नागपुर का इसका डिटेल्स वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसका तीनों वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस नागपुर में क्या है। तो सबसे पहले ड्रम सेल्फ एंड एलोए का जो ऑन रोड प्राइस नागपुर में 77,098 रुपये की है, इसका ऑन रोड प्राइस है। और जो होंडा सीबी साइन एसपी सीबीएस का ऑन रोड प्राइस नागपुर में 69,042 रुपया इसका, जैसे कि 79,042 रुपीस। और डी सेल्फ एंड एलोए वाला वेरिएंट का कीमत है 69,853 रुपया, मतलब 79,853 रुपीस। और सबसे नीचे वाला जैसे कि डी सेल्फ एंड एलोए वाला, मतलब 80,000 रुपये वाला जो एकदम नीचे देखिए 79,853 वाला डी, इसको लेकर हम आज ईएमआई कैलकुलेशन करने वाले हैं। नागपुर में डी सेल्फ एंड एलोए वाला वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 66,797 रुपया। और इसमें आपको जो आरटीओ का खर्चा आ जाएगा वो है 7,347 रुपया। और आपको इंश्योरेंस का खर्चा आ जाएगा 5,709 रुपया। और इस इंश्योरेंस और आरटीओ का खर्चा मिला के आपका गाड़ी का टोटल ऑन रोड प्राइस आ जाएगा 79,853 रुपीज़, मतलब 69,853 रुपये इसके गाड़ी का ऑन रोड प्राइस। मतलब अगर आप कैश खरीदना चाहते हो तो ये प्राइस पे करके आप इस गाड़ी को अपने घर लेके जा सकते हो। अगर आप इसको 36 मंथ के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो तो आपको लोन लेना पड़ेगा। जो आपका लोन अमाउंट होगा वो है 60,117 रुपया। और आपको इसमें डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 24,610 रुपया। और आपको मंथली ईएमआई पे करना पड़ेगा 1,924 रुपया। और सब कुछ मिला के मतलब 36 मंथ इसका फाइनेंस करवाने के बाद, सब कुछ पेमेंट हो जाने के बाद आपका गाड़ी का टोटल कॉस्ट आ जाएगा 93,874 रुपया। जो मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको बताया ईएमआई डिटेल्स के बारे में, वो मैंने आपको बताया 10% इंटरेस्ट रेट में बताया सब कुछ। दोस्तों 10% इंटरेस्ट रेट टू व्हीलर में एकदम फिट बैठता है, ज़्यादातर गाड़ी 10% इंटरेस्ट रेट में ही दिया जाता है। अगर आपके वहाँ पर कोई त्यौहार चल रहा हो तो आपको 10% क्यों, आपको 7% 5% तक भी मिल सकता है। अगर बैंक का ऑफर रहता है तो और भी कम में मिल सकता है। तो शोरूम में जाकर गाड़ी लेते वक्त आप इंटरेस्ट रेट का बात जरूर करें। अगर वो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देता है तो आप किसी और शोरूम में जाइए, आपको 10% या 10% के नीचे मिल सकता है। अगर नहीं मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 12.5% पर आखिर में जाइए, उससे ज़्यादा मत जाइए। लेकिन आप इंटरेस्ट रेट का बात ज़रूर कीजिए। अगर इंटरेस्ट रेट का बात आप नहीं करोगे तो आपको 15% तक लगा सकता है। तो इसमें आपके गाड़ी की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ईएमआई से लेकर डाउन पेमेंट सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और ऐसे वीडियो हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।